हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। तो देखिए व्यूअर्स, आज मैं आपको एक 30x40 में बना हुआ नॉर्थ फेस हाउस का जो है फुल इंटीरियर वॉक थ्रू दिखाना चाहता हूँ विद फ्रंट एलिवेशन के साथ विद प्लान के साथ। देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक। ये जो बना हुआ है ना 3BHK में बना हुआ है एंड बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया सा प्लान दिया गया है इंजीनियर के द्वारा एंड बहुत ही अच्छा वर्क किया गया है कारीगर के द्वारा भी। देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक और आप सभी को रिक्वेस्ट है, हेल्प मी टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड आपको इसी तरह से इन फ्यूचर में भी इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जानकारियाँ मिलते रहेंगे। मैं बाहर से आपको दिखा दूँगा। इसमें जो कंसेप्ट करते हैं, दो रूम बड़े हैं, एक छोटा रूम है, स्टडी रूम कह सकते हैं उसे आप, एक किचन, एक हॉल विथ डायमेंशन, अप्रोक्सीमेट डायमेंशन के साथ बताऊंगा, नॉट एग्जैक्ट। ओके लेट्स सी। जैसे कि देखिएगा ये आपका प्लान, यहाँ पर नॉर्थ साइड इसका रोड है, रोड से एंटर करें पार्किंग एरिया, यहाँ पर एक वेल लिया गया। पार्किंग एरिया का साइज़ करीब देखिएगा आपको 9 बाई 12, मतलब करीब एक 15 फीट में मिल जाएगा। यहाँ पर स्टेयरकेस दिया गया, इधर एक बेडरूम नंबर 2। ओके यहाँ से एंटर करें हॉल, इधर 3 फीट का ऑफसेट किचन, इधर एक पूजा रूम लिया गया छोटा सा, इसके अंदर ही इंक्लूडेड एक टॉयलेट रूम है, बेडरूम नंबर 1, रूम नंबर 3 एक रूम है छोटा सा, 3BHK का बता रहा हूँ एंड 10x9 का दूसरा वाला बेडरूम। यहाँ पर एक ऑफसेट जगह चाहिए, जो भी टॉयलेट पाइप वेंटिलेशन पर्पज दिया गया। यहाँ पर स्लैब एक्सटेंड नहीं किया गया फर्स्ट फ्लोर पर, यहाँ पर स्लैब है, इधर फुल स्लैब है। देखते हैं बाहर से, शुरू से दिखा दूंगा मैं आपको। और अच्छा से इसका प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार देख लीजिए। ओके इस प्लान का ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, विदाउट मेजरमेंट, मेरा आई एक्सपर्ट की वजह से बता रहा हूँ। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये पूरा इसका वॉक थ्रू दिखाऊंगा, लेट्स सी। स्टेयरकेस, पार्किंग एरिया, सेपरेट टैंक साउथ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर, सेपरेट टैंक स्टेयरकेस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर, करीब 15 फीट का जगह है यहाँ पर, 12 फीट रूम आ जाएगा, करीब 11-12 फीट में स्टेयरकेस बढ़ जाएगा, लैंडिंग के लिए 3 फीट एक्स्ट्रा जगह। फिर उसके बाद ईस्ट की तरफ यानी कि इधर ईस्ट है, इधर आपको 3 फीट का जगह मिल रहा है और उधर पीछे 2 फीट का जगह छोड़ा गया है एंड साउथ की तरफ है 2 फीट का जगह। ये आपका फ्रंट फर्स्ट फ्लोर पे जो है सिट आउट विद सिट आउट 2BHK वेरी कंफर्टेबल वे में स्टेयरकेस का लिया गया। अभी हम एंटर होते हैं घर के अंदर। ये देखिएगा जितना भी 3 फीट जगह था ना वहाँ पर जो है स्टेप्स दिया गया, ईस्ट की तरफ से आप चढ़ाई कर रहे हैं, चाहे तो साउथ की तरफ से भी कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल ईस्ट की तरफ। ओके इधर एक अच्छा से इधर बैठ सकते हैं आप कभी भी, सुबह शाम कब चाहे तब, एंड धूप का भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ की तरफ घर है तो। ये आपका एक बड़ा सा हॉल, हॉल का साइज जो है लगभग 12x15 फीट 17-16 फीट तक लग रहा है एंड इधर एक विंडो लिया गया बड़ा सा, इसका साइज जो है 6x4 फीट में एक विंडो, उसके ऊपर है वेंटिलेटर, ठीक है। फिर यहाँ पे इन फ्यूचर में सीलिंग आ जाएगा उसकी वजह से, सो ओपनिंग नहीं, सीलिंग के लिए जगह जो है आप अगर नीचे 1 फीट चले गए तो भी आपको क्लियर स्पैन 10 फीट तक मिल जाएगा, तो टोटल रूम का हाइट है 11 फीट तक लिया गया है तो एक अच्छा ही बेटर है। 10 से 10 मत लीजिए आप, 11 फीट लीजिए, थोड़ा सा हाइट हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। एंड यहाँ पर ओपनिंग रखा गया, इधर से एक बेडरूम में जाते हैं, इधर एक रूम है, फिर इसके पीछे एक और एक बेडरूम है एंड इधर एक टॉयलेट रूम और किचन यहाँ पर रखने के लिए थोड़ा सा शेल्व्स के लिए जगह दिया गया है। ये आप थोड़ा सा चौखट को आप नज़दीक से देख सकते हैं, टोटल है 5 फीट तक जगह दिया गया, वहाँ पर 3 फीट आपको ओपनिंग, क्लियर ओपनिंग मिल जाएगा, फिर 1.5 फीट के अंदर जो चौखट वगैरह सब कुछ आ जाएगा 2 फीट के अंदर। ओके एंड यहाँ पर ही स्विचेस दिया गया है इलेक्ट्रिक का। अभी फ़िलहाल यहाँ पे पानी किस लिए पकड़ा है, रीज़न ये है कि अभी थोड़ा वर्क हुआ है ना उसकी वजह से कुछ पानी पकड़ेगा, मेन स्विचेस स्विच बोर्ड हो गए वहाँ पे। ओके अभी हम नेक्स्ट रूम करते हैं, टॉयलेट रूम और किचन की तरफ से, उसके बाद हम एंटर होते हैं बेडरूम में। ये आपका बाथरूम है, बाथरूम का साइज 4x7 फीट में बना हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग रखा गया, इधर से आप किचन के अंदर जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक डाउट रहता है कि किचन के बाजू में टॉयलेट रूम नहीं रहना चाहिए, अभी आप रियल में देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है यारो, किचन के बाजू में टॉयलेट रूम है तो। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, अभी मैं इसकी